हाय गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग लॉन्ग डे। ऑल्सो वी आर गोइंग आउट फॉर अ शूट। तो अभी सुबह उठ के सबसे पहले आई टुक माय शावर, स्किन केयर वगैरह सब कुछ करके एकदम रेडी हैं। जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए मेकअप करना है, एंड वी ऑल्सो हैव टू शूट थोड़ा सा पार्ट जो घर पे करना है, तो उसको जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं एंड देन आई टेक यू ऑल विथ मी फॉर द शूट। क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या क्या करेंगे, आई विल कीप यू ऑल पोस्टेड। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। तो द शूट दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इज इन कोलाबोरेशन विद गार्निया इंडिया, एंड इस पे बहुत दिन से कॉन्सेप्चुलाइजेशन चल रहा था कैसे फ्लो रहेगा, क्या रहेगा। इनफैक्ट लास्ट 2-3 डेज बहुत ज़्यादा बिजी था मेरा बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क, एंड बहुत सारे ये कॉन्वर्सेशन किया कैसे क्या करना है, वॉट आउटफिट्स टू बी वॉन, हाउ द फ्लो वुड बी देयर फॉर द वीडियो, एंड क्या स्क्रिप्ट रहेगा, ओवरऑल एवरीथिंग। मेरे दिमाग में काफ़ी हर्ज बर्ज था, एंड फाइनली आज थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है। एट द सेम टाइम आई थिंक दी सिनेरियो ऑफ ब्रांड वर्किंग विद क्रिएटर्स बहुत चेंज हुआ है, एंड आई थिंक ब्रांड इज ऑल्सो वेरी मच काइंड ऑफ यू नो फ्रेंडली इन दैट वे आपके कॉन्टेंट के टूवर्स के भी ठीक है, देर आर सम गाइडलाइंस दैट यू हैव टू स्टिक टूवर्स, बट ऑल्सो कुछ लिबर्टी होता है ना फॉर क्रिएटर, वो हमेशा मिलता है। अब वैन एवर वी कोलाबरेट विद ब्रांड्स दैट्स अ गुड पार्ट, बिकॉज वैन एवर कोलाबरेशन होता है ना, हम लोग एक गाइडलाइंस पर तो यार जाते ही हैं, बट वी जस्ट डोंट वॉन्ट टू यू नो हिंडर इन टू आर क्रिएटिव फ्रीडम, वो तो होना ही चाहिए ताकि हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ प्लान कर सकें, एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी वो अच्छा लगे देखने में। सो दैट्स हाउ गुड बैलेंस वी हैव टू बी। एक्साइटेड फॉर द शूट, इज एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू शेयर? आई थिंक मेरे जितने भी कोलाबोरेशन होते हैं ही इज द गाय बिहाइंड, एंड जो भी ब्रांड वर्क है, ब्रांड से बात करना है, all of these work ye hi dekhta hai, so I think he is the right person to talk about all of this. Do you have anything to share? What do you want me to talk about? As in content, brand work, how this industry is growing. So first of all, the brand has to be aligned with the personality of the creator. Yeah. Kyunki fir koi sense nahi banta na ki agar aap ek content creator ho and if you are not experimenting with your looks, yeah, and suddenly you get a branded video and you talk about experimental ways of fashion. Yeah. So it does not make sense, right? Because the audience would also feel ki yaar ye insaan khud dress up hota nahi hai. But he is promoting something to me jo wo khud apne life mein use nahi kar raha hai. True. So it doesn't make any sense agar us case mein collaboration kar rahe ho to. So is there anything jaise ki agar koi brand aata hai mere liye and you personally analyze it ki yaar ye Alisha ke personality se ja raha hai, nahi whether I should pitch it to Alisha or not? See, kisi bhi creator ka jo ek decent level of following rakhta hai apna, they get a lot of collaboration. Like I get profiles, I get contacted from brands जहाँ पे वो लोग बोलते हैं मुझे अलीशा से करवाना है मार्केटिंग या बेटिंग एप्स, गैम्बलिंग एप्स, ये सारे तरीके का कोलैबोरेशन, एंड दे लाइक पे अराउंड क्रेजी $400-$500 फॉर अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम। बट हैविंग सेड दैट, दिस कंटेंट क्रिएशन वाला चीज इज अ लंबे रेस का घोड़ा। सो इफ यू से कि अगर आज मैं $400 या $400,000 भी ले रहा हूँ किसी से, बट एट इवेंचुअली योर ऑडियंस विल लूज ट्रस्ट ऑन यू, और उसके बाद फिर दैट नंबर विल कम डाउन वेरी वेरी लो। क्योंकि अगर आप आज कोलैबोरेशंस किसी रेट पे कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उसी रेट पे आप करते रहोगे तो ऐसा नहीं होगा। वंस द ब्रांड विल एनालाइज कि आपका एंगेजमेंट कम हो रहा है, आपसे लोग कनेक्शन आपका बिल्ड नहीं हो पाया है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूट्यूब क्रिएटर आई बिलीव, बिकॉज यू नेवर वर एन इंस्टाग्राम क्रिएटर, यू स्टार्टेड विद क्रिएटिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, सो पीपल इवन इफ यू गेट लाइक 100 व्यू ऑन अ 5 मिनट ब्लॉग, इट इज स्टिल बेटर देन 50,000 व्यूज ऑन अ रील, बिकॉज दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव रिकॉल ऑफ longer videos. We see dialogues of movies अभी बिना कि बनी छा कुछ भी कर लो आपका कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो ये जवानी या दीवानी का डायलॉग हमारे दिमाग में क्यों है? क्योंकि वो एक 15 सेकंड का रील नहीं था, दैट वाज अ फुल फ्लेज्ड 3 घंटे का मूवी। सो दैट इज समथिंग दैट आई थिंक दैट आई कैन सजेस्ट क्रिएटर्स, दैट इफ अ ब्रांड कम्स टू यू, यू शुड ऑलवेज सी दैट वेदर दैट इज अलाइनिंग विद माय पर्सनालिटी और नॉट, एंड वी हैव बीन वेरी विजनरी टुवर्ड्स दिस लाइक शुरू से ही। और एक और चीज जो मुझे लगता है कि मुझे अगर मैं इस पे बात कर रहा हूँ तो मुझे ये बताना चाहिए कि इफ यू आर टेकिंग कोलैबोरेशंस तो देयर आर ब्रांड्स जो आपको पे नहीं करेगा उतना अच्छा, बट यू हैव टू थिंक कि आपके प्रोफाइल के साथ वो अगर अच्छा जा रहा है तो यू कैन गो अहेड एंड डू इवन एट अ लेसर रेट, बिकॉज जो भी ब्रांड जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, वो क्रिएटर मार्केटिंग में बहुत पैसा फेंकते हैं, एंड इवन इफ यू लाइक इफ आई एम प्रमोटिंग दिस फोन एंड I am the person who can sell anything to anyone. And if I say that this is the phone that I want X creator to promote, and this is the phone that I have built for my brand,
and if I want a creator to promote this, then certainly this has to be a good product, and if I am confident that this is a very good product, then I would try to negotiate with that creator, because I think that in the long run the credibility of my product would also attach with the credibility of the creator. And vice versa. So if a creator is associating with a brand, the brand image also gets attached with the creator, and vice versa. Yeah, it's a brand with brand. Yes, it is never a collaboration with an individual with a brand. It is always a brand associating with a brand. So So the video, the package that you see, that is a brand. That the product, the creator in entirety is a product. So that is something that creators have to be very vigilant about, as per my understanding. I don't have a lot of experience in this, but whatever I have, I have shared. So the last clip was of straight 3.5 minutes. Shall I start a podcast with him? What are we doing here? We are at the location, and here's the Garnier color card जिसमें हम लोग को shoot करना है. So it's basically a new initiative by Garnier, and I found it really, really thoughtful. Oh my god, I'm so excited. This is going to be a little look change today, and देखते हैं कैसा मेरे ऊपर लगता है, कौन सा कलर मेरा शेड बन के निकलता है. I am someone जो बहुत ज़्यादा experiment नहीं करती है when it comes to my hair, when it comes to my makeup. I've been very basic bitch that way. So let's experiment now. माई न्यू हेयर कलर जो ऐसे लाइट में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. सो इट्स रास्पबेरी रेड, एंड हमारा शूट ख़त्म हो गया है. नाउ दैट वी आर लीविंग द स्पेस, एक्चुअली दिन का शूट बहुत अच्छा रहा, और अभी कुछ दिन से आई थिंक मेरा इसलिए पूरा वीक बहुत ज़्यादा टायरिंग बीता है, बहुत ज़्यादा बिजी बीता है. एंड होता है ना क्या कि एक और चीज़ है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो बहुत समय से, देन यू ऑल नो कि हम बहुत टाइम से ट्रिप पे नहीं गए हैं. सो इट्स क्वाइट सिमिलर अरेंजमेंट बहुत दिन से. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा अकेले बैठने का मन करता है. राइट नाउ आई एम जस्ट आउट टू सिट एंड स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ, एंड आई हैव ऑर्डर्ड यम्मी थिंग्स व्हिच आई एम टू ईट, एंड इट फील्स गुड टू बी अलोन समटाइम्स. With this, I also wanted to say that alone does not mean lonely. Yeah, I'm sab kuch chat kar chuke hain. Also got malai chaat packed for my mom, and I think jab se aise proper ye garmi aayi hai na, the amount of time I take cold coffee in a day is crazy. It's insane. And that's how I'm ending my day as well. Thank you so much for watching this vlog, guys, and या गिव दिस वीडियो थम्स अप, एंड प्लीज़ कॉमेंट में बताओ मेरा ये न्यू लुक भी कैसा लग रहा है, जो अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बट आई थिंक वो धूप में ऐसे ऐसे दिख रहा था. एंड या प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @_alisha180_, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.